नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन दिनों जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के मिशन 400 पार को साकार करने के लिए उन्होंने बिहार में जबरदस्त मेहनत की है। प्रधानमंत्री की रैलियों में वो हमेशा साथ दिखते हैं। आजकल सम्राट चौधरी जी बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तीखे हमले भी किए हैं। डिप्टी सीएम के साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष का जिम्मा संभाल रहे सम्राट चौधरी ने आरक्षण और नौकरियों के मुद्दे को लेकर लालू और तेजस्वी को जमकर घेरा है। चुनाव प्रचार के व्यस्त शेड्यूल के बीच सम्राट चौधरी ने हमारे लिए थोड़ा समय निकाला है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सम्राट चौधरी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सम्राट चौधरी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी सम्राट जी कि बिहार में आपका और बीजेपी का चुनाव प्रचार फिलहाल कैसा चल रहा है? देखिए, इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सभी लोग चाहने वाले हैं और बिहार स्तर पर भी लोग 40 की 40 सीट बिहार की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहती है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चले, यह जनता की आकांक्षा है। इसलिए बिहार की जनता लगातार नरेंद्र मोदी जी के मिशन को पूरा करने में लगी है। जी, तो अभी तक अगर हम चुनाव की बात करें तो 5 फेज पूरे हो चुके हैं। बिहार की 40 में से 24 सीटों पर अभी तक चुनाव लड़ा जा चुका है, तो आप अभी पूरे सिनेरियो को देख के आपका क्या कहना है, किस तरीके के हालात है, क्या लगता है बीजेपी का कितना स्कोप है? देखिए, 24 सीट के चुनाव हुए हैं और अभी तक महागठबंधन या इंडी गठबंधन के खाता खुलना भी मुश्किल है, क्योंकि जो प्रादेशिक है पूरे बिहार का, उसमें स्पष्ट दिखता है कि बिहार की राजनीति में लालू जी ने अराजकता दिखाया, गुंडागर्दी किया, भ्रष्टाचार किया, जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। उनको भी 15 साल मिले, नीतीश जी को भी मिले, दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। और देश का चुनाव है, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किए हैं और जिस विजन के साथ देश को बढ़ाया है, उस पर लोगों का ज्यादा फोकस है। जी, काम की बात आई है और इंडिया गठबंधन की बात आई है, तो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को अगर मौका मिला तो वो पीएम मोदी और बीजेपी से ज्यादा नौकरियां देंगे और नहीं दे पाए तो राजनीति छोड़ देंगे। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, स्पष्ट तौर पर यूपीए को 10 साल मिले, देश में भ्रष्टाचार हुआ, लोगों के घरों के चीजों को कितनी महंगाई को देखना पड़ा देश में। लोग ये समझ गए चुके हैं कि इस देश को चलाने वाला सिर्फ नरेंद्र मोदी है और लालू प्रसाद जी को भी 15 साल बिहार में शासन करने के लिए मौका मिला, ना रोजगार दिया, ना काम दिया, ना गरीबों के आकांक्षा को पूरा करने का काम। इसलिए लालू जी के तरफ जनता देख सकती है, ना कांग्रेस पार्टी के तरफ देख सकती। कांग्रेस ने देश के आजादी के 75 वर्षों में 55 वर्ष तक शासन किया है और आज भी मूलभूत चीजों को हम पूरा नहीं कर पाए। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरा देश अब चिंतित है कि फिर से मोदी जी आए और 400 पार के साथ एक मजबूत सरकार स्थापित। जी, कई चुनावी सभाओं में हमने सुना है आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव आरक्षण के विरोधी हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, उसका एक ही कारण है कि लालू जी 15 साल राज किए लेकिन एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला गया, ना पिछड़े को, ना दलित को, ना अति पिछड़े को। ये दलित विरोधी है, दलितों से घृणा करते हैं, नहीं तो लोगों का सम्मान देते, लोगों को आरक्षण देकर बढ़ाते, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बढ़ाकर ही वो कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हमने दिया। दूसरे तरफ मोदी जी हैं जो इस देश की 33% महिलाओं का को आरक्षण देकर जो 50% की हिस्सेदारी है उसको बढ़ाने का काम कर। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी तो 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम बिहार की एनडीए सरकार। इसलिए पूरी तरह यह स्पष्ट दिखता है कि महिलाओं का को यह आरक्षण देने का मामला लालू प्रसाद सब दिन
इन चीजों के विरोधी रहे। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब से मोदी सरकार आई है, जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से लोगों को बेरोजगारी की संख्या में ज्यादा इजाफा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप बिहार के हालात को देखते हुए? इस देश का जो मानक है वो EPFO है, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट वाले लोग जो है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो वगैरह होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से इस देश में पता चलता है कि इस देश में कितने कर्मचारी हैं, कितने रोजगार मिले हैं। 11 करोड़ 70 साल में मिले थे और 2014 से लेकर 2024 तक 27 लोगों का उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ, इसका मतलब 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। भले लालू प्रसाद जी के परिवार को रोजगार नहीं मिल पाया हो, वो चिंता करते होंगे, लेकिन इस देश की जनता को लगातार रोजगार से लेकर एक एक चीजों की चिंता, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, चाहे वो घर में खाने की व्यवस्था हो, गैस कनेक्शन हो, इलाज करने आने की व्यवस्था, ये सारे चीजों पर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता करते रहे। जी, अगर बात करी जाए आपके रैलियों की, तो बिहार में जो अभी आपके मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, तो प्रधानमंत्री की रैलियों में दिख नहीं रहे हैं। आप तो हर जगह नजर आते हैं पर नीतीश कुमार जी नहीं नजर आते हैं, ऐसा क्यों? नहीं नहीं एकदम पहले 3 कार्यक्रम में वो साथ दिखे, फिर 6ठे कार्यक्रम में दिखे, फिर 9वें कार्यक्रम में दिखे, फिर रोड शो में दिखे, वो लगातार दिखते हैं और बीच बीच में हम लोग सभी अलग, आज 2 जगह कार्यक्रम था, मैं 1 जगह था, दूसरी जगह विजय सिन्हा जी थे, तो ऐसे करके हम लोग सभी जगह बांट करके सभी जगह जा रहे हैं कि बिहार में सभी जगह पहुंचने का काम NDA के नेता कर पाए। तो कहीं मुख्यमंत्री जी जाते हैं, कहीं हम लोग जाते हैं, कहीं विजय सिन्हा जी जाते हैं, कहीं और लोग हमारे बड़े नेता जाते हैं। तो अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि बिहार में बीजेपी का जो पिछला प्रदर्शन रहा है, क्या वो इस बार भी दोहरा पाएगी? क्या विपक्षी गठबंधन से इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है, या जो पिछली बार का जो चुनावी रिजल्ट रहा था वो इस बार रहेगा और बीजेपी हर बार की तरह उभर के आएगी? नहीं, मैं तो उससे अधिक कह रहा हूँ, इस बार जो 40 की 40 सीट बिहार की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देगी, और पिछले बार 39 दिया था, इस बार 40 देने का काम है। बिहार की जनता लगातार नरेंद्र मोदी जी के सभाओं में जो जिस तरह का जनसमूह आ रहा है, उससे स्पष्ट दिखता है कि लाखों की संख्या में लाखों लाख वोट से NDA के प्रत्याशी जीते। जी, अच्छा एक बात बताएं कि जब नीतीश कुमार जी जब RJD के साथ थे, तो आपने एक बार कहा था कि जब तक नीतीश को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक आप अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो अब बीजेपी के आला कमान ने नीतीश को अपने साथ में ले लिया है, तो उस पर आपकी मतलब क्या राय है? नहीं, स्पष्ट है, मैंने जो कहा था वो हुआ। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देकर फिर हम लोगों ने समर्थन दिया और तब बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन हमने तो तय कर दिया है, पार्टी हमारे लिए सर्वोच्च है, आदर हम लोग सर्वे भगवान राम के मंदिर में जाएंगे और वहीं अपने इस मुरेठा को समर्पित करने का। जी, अगर हम नीतीश कुमार की माफ कीजिएगा, अगर हम तेजस्वी यादव की रैलियों की बात करें, तो उसमें काफी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, लोग काफी भारी मात्रा में उसमें लोग आ रहे हैं और उनका कहना भी है कि इस बार बिहार में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है? देखिए, जब लालू जी को 22 सीट आई थी और श्रीमती राबड़ी देवी भी चुनाव हार गई, लालू जी का कोई परिवार सदस्य जो है सदन में नहीं था, तब भी लालू जी के लिए भीड़ आता था, लालू जी के लिए आज भी भीड़ आता है, लालू जी के प्रतिनिधि जाते हैं इसलिए भीड़ आते हैं, लालू जी को सुनने के लिए लोग आते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं, नेता वो है, 20 से 25% उनके पास वोट है, लेकिन ये लड़ाई 75 और 25 का है। एकदम स्पष्ट तौर पर जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वोट करेगी और लालू जी का कोई परिवार कहीं कोई मायने नहीं रखता है, सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो 40 की 40 सीटों का टारगेट कैसे अचीव होगा फिर?
इसीलिए तो मैंने कहा कि 75 और इसकी लड़ाई है तो क्या रिजल्ट होगा, 40 की 40 सीट होगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। आपने इतनी व्यस्तता के बीच हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनके साथ हमने की खास बातचीत। बिहार में कैसा चुनावी माहौल है उसके बारे में हमने इनसे जानकारी ली है। जिस हिसाब से इनका कॉन्फिडेंस है उससे तो लगता है कि ये पूरे पूरे इस उम्मीद में है कि इस बार फिर एक बार बीजेपी सरकार ही आने वाली है। अब चुनाव का एंड रिजल्ट क्या रहेगा, अभी भी दो फेज के चुनाव बचे हैं, कौन सी सरकार आएगी ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। और चुनाव से जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप देखते रहिएगा श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।